एपिसोड करता हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। और आज हम जा रहे हैं बसंती, जो कि हमारे गांव के नज़दीक ही है, तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो आप बताते हैं वहाँ का व्यू। और ये है यहाँ का रास्ता, जो कि आप देख सकते हैं ये यहाँ का रास्ता, तो बताते हैं आपको आगे भी चल। आज ये है यहाँ की नदी, यह नदी और ये जो नीचे गाय चल रही है ये है चौगान और ये है ब्यास नदी। सो गाइस ये है चौगान, ये पूरा इतना बड़ा पूरा चौगान ही है, यहाँ तक देख सकते हैं ये है पूरा चौगान और ये गाय चल रही है कुछ। और जो आपको वहाँ पे दिख रहा है ये थोड़ा सा भाई आपको दिख रहा होगा, तो ये है यहाँ की बॉडी और ये पूरा और वो है, यहाँ से हम आए हैं वहाँ से हम आए हैं पूरा नीचे तक और देख सकते हैं। और अब आपको आगे बताते हैं, तो आगे आपको दिखाएंगे हम नदी। सुबह यहाँ पे अक्सर बैट बॉल के मैच भी किए जाते हैं, उसका व्लॉग भी आपको आगे दिखाएंगे और बैट बॉल के मैच भी लगते हैं, तो अभी तक तो नहीं लग रहे हैं, आगे बताएंगे आपको जब लगेंगे तब आपको उसका भी ब्लॉग मिल जाएगा। तो आपको दिखाते हैं नदी, हम पहुंच चुके हैं नदी पर देख सकते हैं। सो गाइस ये है ब्यास नदी, आप देख सकते हैं ये है पूरी ब्यास नदी, जो कि आजकल इसका स्तर बहुत बढ़ गया है। ये है ब्यास नदी और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं छोटे छोटे घर, ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, ये और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और दोनों के बीच में ये ब्यास नदी है। तो और ये है सामने है क्रशर, और ये जो आप वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये है कंगहण, और ये देख सकते हैं आप एक बार फिर आपको ऊपर से बताएंगे। और ये है पहाड़ और ये नीचे है पूरी आल, देख सकते हैं आप। गाइस ये है जसिमपुर का पंप हाउस, जो कि यहाँ पे है और यहाँ से पूरे जसिमपुर को पानी आता है, देख सकते हैं ये है पूरा पंप हाउस और ये बिल्कुल नदी के पास ही है। गाइस ये है हमारे गांव का मुर्दघाट, बसंती मुर्दघाट, और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि गेट खुला ना छोड़े। सर अब आपको अंदर से बताएंगे कैसा है। सो गाइस ये है अंदर से पूरा बहुत अच्छा मुर्दघाट, देख सकते हैं यहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है और ये लकड़ी यहाँ पे और दो हैं मुर्दों को जलाने वाले, यहाँ पे ये मुर्दों को लटाया जाता है और
लकड़ी रखी जाती है। और ये है बैठने बैठने के लिए, ये है। और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, जो दादी सज्जन उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके बताते हैं आपको। और ये है सामने भोले बाबा की मूर्ति, और ये साथ में है, ये है ब्यास नदी। और ये ऊपर पूरा जंगल टाइप ही है। तब आपको बताते हैं आगे। और ये है भोले शंकर की मूर्ति, और इसके साथ लगती है बाबा की कुटिया। इस वीडियो का पार्ट टू आपको कल मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। और जिसने वीडियो का सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और जो 61% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट।